जी बेटा, आप जो एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज हैं वो देख लेते हैं। एमसीक्यू नंबर वन जो है, व्हाट आर द प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स दैट प्रोवाइड क्विक यूजेबल एनर्जी टू बॉडी, यानी वो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कौन सा है जो बॉडी को, हमारे जिस्म को जो है ज्यादा एनर्जी मुहैया करता है। तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी पाई जाती है। नंबर टू, द वेव लाइक मूवमेंट ऑफ मसल दैट पुशेस फूड थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड, ये हमने डेफिनेशन ही पढ़ी है पेरिस्टाल्सिस की। तो जो वेव लाइक मूवमेंट है जो खुराक को जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है पीछे की जम धकेलती है, उसे पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, यानी इसका डी ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर थ्री, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट्स आर, माई प्लांट्स के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन से हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है कि वो न्यूट्रिएंट्स जिनकी प्लांट्स को कम मिकदार में जरूरत होती है। तो इसका जो बी ऑप्शन है, रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन स्मॉल। एमसीक्यू नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर इन ओरल कैविटी, और दर्ज एल में से कौन सा जो ओरल कैविटी में काम नहीं होता, लुब्रिकेशन ऑफ फूड, नंबर टू बिगनिंग ऑफ प्रोटीन डाइजेशन, नंबर थ्री ब्रेकिंग द फूड इंटू स्मॉल फ्रेगमेंट, एंड नंबर फोर ऑल ऑफ द अबव डू अकर इन द ओरल कैविटी। इसमें जो है बिगनिंग ऑफ प्रोटीन डाइजेशन, ये सिर्फ जो है ओरल कैविटी में नहीं होता, यानी इसका बी ऑप्शन। जी नेक्स्ट जो देखें, एमसीक्यू नंबर फाइव, वेयर आर विलाई फाउंड, विलाई कहाँ पाए जाते हैं। तो इसमें जो है हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन का टॉपिक, तो उसके अंदर विलाई हमने पढ़ा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन। या जो सिक्स एमसीक्यू, अल्सर अकर्स इन स्टामिक, ड्यूडिनम, इसोफेगस या ऑल ऑफ दीज, तो ये जो है जितने भी हैं सब के सब स्टामिक के अंदर भी पाया जाता है, ड्यूडिनम के अंदर भी, इसोफेगस के अंदर भी, यानी कि ऑल ऑफ दीज इसका जो ऑप्शन है वो डी। आगे आ जाए एमसीक्यू नंबर सेवन, विच ग्रुप ऑफ एंजाइम ब्रेक्स अप स्टार्च अंदर कार्बोहाइड्रेट, वो कौन से एंजाइम ग्रुप है स्टार्च और दूसरे कार्बोहाइड्रेट की तोड़ फोड़ करता है। तो इसमें जो है ऑप्शन सी अमाइलेज, ये एंजाइम जो है जो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट को ब्रेकअप करता है। एमसीक्यू नंबर एट, पैंक्रियाज प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम एंड रिलीज देम इनटू, पैंक्रियाज जो है डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करता है, इसको रिलीज करता है, खारिज करता है, किसमें, ड्यूडिनम के अंदर, यानी इसका डी ऑप्शन दुरुस्त है। नाइन, इन स्टामिक पेप्सिनोजिन इज कन्वर्टेड इनटू, स्टामिक के अंदर पेप्सिनोजिन को तब्दील किया जाता है पेप्सिन में, यानी कि इसका ए ऑप्शन जो है वो दुरुस्त हो। बट अब एमसीक्यू नंबर टेन देखें, हेपाटिक पोर्टल वेन कैरी ब्लड डैश टू डैश, यानी कि हेपाटिक पोर्टल वेन जो है ब्लड को कहां से कहां जाती है, तो ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर की जानिब जाती है, इसका ए ऑप्शन दुरुस्त हो। एमसीक्यू नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लीवर, इसमें कौन सा लीवर का काम नहीं है, तो ये डी ऑप्शन, रिड्यूसिंग डाइजेस्टिव एंजाइम। 12, द डिजीज ऑफ क्वाशियारकर एंड मरादमस मे बी ड्यू टू, ये जो बीमारी है क्वाशियारकर मरादमस, ये किसकी वजह से होती है, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन की वजह से, यानी कि इसका सी ऑफ। नेक्स्ट जो है, विच फूड ग्रुप इन आवर बॉडी बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये कोई ग्रुप बताए गए हैं फूड के, इसमें कौन सा ग्रुप बताना है कि इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, तो इसमें जो है जो सी ऑप्शन है ब्रेड एंड सीरियल, ये ग्रुप जो है इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी पाई जाती है। एमसीक्यू नंबर 14, व्हाट मे बी द रीजन दैट चिल्ड्रन नीड मोर कैल्शियम एंड आयरन, बच्चों में जो है कैल्शियम आयरन की मकदार ज्यादा जरूरत होती है, क्यों, वजह बताएं। वजह ये होती है कैल्शियम फॉर बोन्स एंड आयरन फॉर ब्लड, यानी कि बोन के लिए कैल्शियम और ब्लड के लिए आयरन की, यानी इसका जो है डी ऑप्शन दुरुस्त होगा। एमसीक्यू नंबर 15, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन लार्ज ड्रॉपलेट ऑफ फैट इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट इज कॉल्ड एमल्सिफिकेशन, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें फैट्स के बड़े ड्रॉप्स को छोटे ड्रॉप में तोड़ा जाता है, उसे हम एमल्सिफिकेशन कहते हैं, इसका जो ए ऑप्शन दुरुस्त होगा। जी बेटा, यहां तक हमारे एमसीक्यूज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इनको अच्छी तरह रिवाइज करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।